हेलो एंड वेरी वेलकम टू शिक्षा सो दिस इस लेक्चर के अंदर हम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे तो बेसिकली आपने एक टर्म सुनी होगी कॉरपोरेट गवर्नेंस ठीक है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या इनकरेज करती है कॉरपोरेट गवर्नेंस एनकरेज करती है कि इंडस्ट्री कैसे uh, जो है प्रॉपर वे में एंड मोरल चीजों को फॉलो करते हुए क्राइटेरिया okay? तो हो गया ना कॉर्पोरेट गवर्नेंसिकली गुड गवर्नेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो कायदे से हो रहा है सो so, जैसे बाकी के कारपोरेट सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वैसे ही आपके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी होती है और दो हजार सोलह सत्रह के पीरियड में आई आर डी ए आई ने गाइडलाइंस पास किए थे फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन टू द इंश्योरेंस सेक्टर तो ये गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस का पार्ट वन होगा ठीक है इसके बाद पार्ट टू हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके सो बेसिकली आइडिया हम मैंने आपको दे दिया कि हमने क्या डिस्कस करना है एंड जो भी पीडीएफ होगा इस लेक्चर का वो आप यूट्यूब पीडीएफ लिंक से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं बट आई वुड रिकमेंड कि की एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लो क्योंकि इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसीक्यूज मिलते हैं और पीडीएफ भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो भी आपके यूट्यूब के लेक्चर्स हैं एंड तीन सौ रुपए का आपको ये कोर्स पड़ता है सिर्फ अगर आप कोड यूज करते हो यूपीएससीपीएफ फिफ्टी परसेंट ऑफ आपको मिल जाता है एंड इंश्योरेंस के लिए भी यहाँ पर मैंने तीन टेस्ट ऑलरेडी डाले हुए हैं नाइन्टी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन में थर्टी टेस्ट हर टेस्ट में थर्टी क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली वो भी काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी रिविजन के अंदर चलिए शुरू करेंगे फटाफट से तो टॉपिक्स हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योरेंस सेक्टर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे गाइडलाइंस का क्या ऑब्जेक्टिव है जनरल क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ इंटरेस्ट कंफ्लिक्टन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अबाउट मीटिंग और कमिटीज इन प्रोपर रिलेटेड क्या क्या बातें बोली गई हैं गाइडलाइंस के अंदर वो हम देखेंगे तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो देखो जी जो इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो पूरे का पूरा बिजनेस रन करते हैं और बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो ब्रॉड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली ये जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना ये कंपनी के शेयर होल्डर्स को आंसरेबल होते हैं अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस कंपनी है है ना वो पैसा ले रही है लोगों से जो उसकी लाइबिलिटी है एक तरीके से और वो पैसा अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी कर रही है तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर फैसिलिटेटर बन रही है और इसीलिए ये जरूरी भी है कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनको मॉरली और एथिकली रन किया जाए क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी मॉरली और एथिकली रन नहीं कर रही है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर फील होगा और इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस जो है वो आई, आई ने इशू किए हैं अब अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो देखो गाइडलाइंस से पहले आपका एक कंपनीज एक्ट 2013 भी है उसके अंदर भी वेरियस प्रोविजंस हैं जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं और भी कानून है और भी रेगुलेशंस हैं जो डिफरेंट अथॉरिटीज फ्रेम कर रही हैं तो ये जो आई की गाइडलाइंस हैं ये एक तरीके से एडिशनल गाइडलाइंस के फॉर्म में एक्ट करेंगी ठीक है और अगर ये जो गाइडलाइंस हैं ये कन्फ्लिक्ट में आती हैं किसी भी रूल या किसी भी गाइडलाइन के साथ किसी भी दूसरे रूल या किसी भी दूसरी गाइडलाइन के साथ तो गाइडलाइंस क्या बोलते हैं आईआरडीआई की कि जो कि जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है वो फॉलो की जाए जो स्ट्रिक्टर गाइडलाइन है समझ रहे हो ये ये नहीं बोल रहे कि आई की गाइडलाइन जो है वो बाकी गाइडलाइंस के ऊपर ओवर इफेक्ट रखेगी ये नहीं बोला जा रहा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन है अब फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई गड़बड़ करता है आईआरडीए की गाइडलाइन ने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि भाई सौ रुपए जुर्माना लगाएंगे अगर ये गड़बड़ हुई एक्स वाई जेड गड़बड़ हुई ठीक है लेकिन कंपनीज एक्ट की कोई गाइडलाइन है उसके अंदर हजार बोला हुआ है सेम का तो

अब एक्सेप्शन कौन सी है इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डायरेक्टली एमसीक्यू के अंदर वो पूछ सकता है कि आई की कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी सबसे पहले तो री इंश्योरेंस कंपनीज में नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव द पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमिटी जो आईआरडीए की गाइडलाइन के अंदर ना एक पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी का प्रोविजन है तो री इंश्योरेंस कमिटीज को ये पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है दूसरा जो फॉरन री इंश्योरेंस के ब्रांचेज हैं इंडिया में ओके okay, उनको बोर्ड uh, कॉन्स्टिट्यूट करने की और जो भी मैंडेटरी कमिटीज है मैंडेटरी कमिटीज अभी हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे मैंडेटरी कमिटीज है कौन सी कौन सी वो तो मैं आपको इसी पार्ट में बता दूंगा लेकिन ब्रॉड डिस्कशन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे मैंडेटरी कमिटीज के तो हाल फिलहाल क्या पॉइंट है कि जो फॉरन री इंश्योर है इंडिया के अंदर जिनकी जो ब्रांचेज हैं उनको जो मैंडेटरी कमिटीज है ना गाइडलाइंस uh, के अंदर वो फ्रेम करने की जरूरत नहीं है वो बनाने की जरूरत नहीं है तो ये दो uh, एक्सेप्शन हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होंगी री इंश्योर पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है और फॉरेन की की ब्रांचेस को जो है है बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने जरूरत नहीं और साथ ही साथ जो मैंडेटरी कमिटीज हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है बना सकते हैं उनकी मर्जी है पर कंपल्सरी नहीं है ओके okay जी अब देखो जी कॉरपोरेट uh, गवर्नेंस होता क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस अगर हम जनरल कॉरपोरेट सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल कंट्रोल स्टैब्लिश हो रहा है मॉरल कंट्रोल एक कंपनी के ऊपर आप स्टैब्लिश कर रहे हो ठीक है जिससे जो रिलेशनशिप है एक कंपनी में रिलेशनशिप किसके किसके बीच में कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में और कंपनी की मैनेजमेंट के बीच में वो ट्रांसपेरेंट हो वो रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर डेवलप हो अब जब हम स्पेशली बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की जैसे कि इंश्योरेंस जहां पर कंपनी पब्लिक लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है जब आप प्रीमियम ले रहे हो तो वो एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए तो एक तरीके, तरीके का फ्यूडिशरी रिलेशनशिप्लिश हो गया और इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो लोगों का पैसा डूब जाएगा और इकोनमी के ऊपर बहुत लॉन्ग एंड लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है ताकि ताकि आप रिपोर्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इस्टैब्लिश कर सको और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बन सके ठीक है तो स्पेसिफिकली अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसीलिए गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस जैसे कि सोलवेंसी मेंटेन करके रखना कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे ठीक है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर रहेगा अब गाइडलाइंस के अंदर एक प्रोविजन आता है जिसके अंदर बात करते हैं कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स की तो देखो आईआरडीए क्या बोलता है कि मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है वो फाइव ईयर्स का तो बेसिकली जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया जब आई ने बिजनेस को अप्रूव कर दिया उसके बाद मिनिमम लॉक इन पीरियड पांच साल का होगा पांच साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड का क्या मतलब है कि इस पांच साल में जो प्रमोटर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते ठीक है इन पांच साल में वो ट्रांसफर नहीं कर सकते और अगर उन्हें करना भी है तो उसके लिए उनको पहले अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो अप्रूवल बहुत ईजीली उनको मिलेगा नहीं तो पांच साल वाला जो है मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है जो भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद उसके बाद जी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर और क्या पॉइंट लिखा है? ये बोलता है कि आपको आईआरडीए का अप्रूवल चाहिए अगर कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है और वो अपने एक परसेंट से ज्यादा शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है आफ्टर दिस पीरियड ऑफ इयर्स तो उसके लिए भी को का अप्रूवल चाहिए अब फॉर एग्जांपल किसी के पास uh, किसी uh, शेयर होल्डर के पास दस परसेंट शेयर है प्रमोटर के पास दस परसेंट शेयर है इंश्योरेंस कंपनी में और वो दो परसेंट शेयर अपने बेचना चाहता है आउट ऑफ दिस टेन टू बेचना चाहता है तो उसको एज एन ये वो निकल जाएगा मार्केट में बेच देगा पहले आई आई का अप्रूवल लेना पड़ेगा ठीक है

ऑडिटर एक्चुअरीज़, डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सन एक्चुअरीज़ क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था ऑडिटर एक्चुअरीज़, डायरेक्टर और जो की मैनेजमेंट पर्सन हैं, जिसको के एम पी बोला जाता है शॉल नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली टू पोजिशन इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी में एक बंदा एक्स एक्स को आपने ऑडिटर भी बनाया हुआ है एक्स ही आपने डायरेक्टर भी बनाया हुआ है और एक्स को ही आपने की मैनेजमेंट पर्सन भी बनाया हुआ है या एक्स को ही आपने ऑडिटर और डायरेक्टर बनाया हुआ है ना जी ना दो पोजीशंस नहीं हो सकती अगर कंपनी में एक्स ऑडिटर है तो वो ऑडिटर ही रहेगा फिर आप उसको एक्चुअली डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन नहीं बनाओगे ठीक है क्योंकि उससे क्या हो सकता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है तो गाइडलाइंस के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि ये जो पोजिशन है स्पेसिफिकली सिंगल पर्सन विल बी होल्डिंग सिंगल पोजिशन दो पोजिशन नहीं होल्ड करेगा फिर आ जाता है तो तो बेसिकली गाइडलाइंस के अंदर और ये इंश्योरेंस तो एक्ट के अंदर भी भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है हिंदुस्तान के अंदर वो पब्लिक कंपनीज हैं ठीक है एंड तो एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड होना चाहिए जो भी हिंदुस्तान के फॉरन कंपनीज में तो वहां पर होगा ना बोर्ड हिंदुस्तान की कंपनीज जो है उनके पास एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए और अब यहाँ पर गाइडलाइंस क्या बोल रही हैं ये तो एक्ट के अंदर लिखा है कि प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनीज को देखना है कि जो बोर्ड है उसके अंदर कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए ऐसा नहीं है कि, कि किसी को भी उठा करके बना दिया ठीक है जी उसके बाद साइज ऑफ द बोर्ड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइज होना चाहिए बोर्ड का जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं टू के uh, आपके कंपनीज uh, एक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करें ठीक है और बिजनेस के स्केल के हिसाब से आपके बोर्ड का साइज होना चाहिए ठीक है जितना बड़ा बिजनेस उसके हिसाब से आपका बोर्ड का साइज होना चाहिए एंड जो भी बोर्ड है उसमें आप इंश्योर करें कि नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस और कमिटमेंट का राइट बैलेंस आप मेंटेन करें ओके राइट बैलेंस होना चाहिए नॉलेजेबल uh, लोग भी होने चाहिए स्किलफुल एक्सपीरियंस और कमिटमेंट के साथ लोग होने चाहिए ओके okay, और ऐसे लोगों को आपको बोर्ड में जा डालना है जो अपना टाइम और कमिटमेंट दे सके ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों को डाल दो जो टाइम और कमिटमेंट ही नहीं दे सकते तो ये गाइडलाइंस के अंदर पॉइंट आते हैं ओके okay, एंड जो शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्ट या नॉमिनेट करेंगे अपने डायरेक्टर्स को फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज और शेयर होल्डर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि डायरेक्टर्स अलग अलग एरियाज से आए अकाउंट्स के एक्सपर्ट भी हों लॉ के भी हों इंश्योरेंस के भी हों पेंशन के भी हों ताकि एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो बोर्ड के अंदर ओके okay, साथ ही साथ गाइडलाइंस के अंदर ये बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कम से कम तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया कितने तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस ऑलराइट तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए बट इसमें रिलैक्सेशन है एक जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला किसी इंश्योरर को नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला तो पहले पांच साल के लिए वो दो भी रख सकते हैं लेकिन विद इन फाइव ईयर्स उनको तीन पर इसको लेकर के जाना ही है ओके एंड इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक अच्छा कॉम्पोजिशन होना चाहिए जिससे जो बिजनेस में जजमेंट है वो इम्प्रूव हो और शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो साथ ही साथ गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया कि जो सेक्शन 149 है कंपनीज एक्ट का जो बोलता है कि एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर हो, होनी चाहिए वो भी हर इंश्योरेंस कंपनी को फुलफिल करना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि भाई कंपनीज एक्ट दो के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड है उसमें एटलीस्ट कितने वुमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए एक दो तीन चार या स्टेटमेंट डाल करके भी पूछ सकता है तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट आ जाता है आपका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया तो देखो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया तो ये तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉम है और डोमेस्टिकली भी है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल करना है नाउ क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रिटी जो आप एक पर्सन के उसके बिहेवियर के अंदर उसके कंडक्ट के अंदर उसकी जजमेंट के अंदर उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस के अंदर एक्सेप्ट करते हो एक्सपेक्ट करते हो ठीक है अब देखो दो चीजें हैं यहां पर है सबसे पहले तो इंश्योरेंस एक्ट क्या प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट वो डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का तो उसमें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी नहीं आएगा ठीक है आपको इंश्योरेंस एजेंट बोले देखो मैं तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा हूं फिर भी मेरे को डायरेक्टर नहीं बना रहे क्यों नहीं बना रहे क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया है कि इंश्योरेंस एजेंट हो अगर आप तो आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते और अगर आपको बनना है तो पहले आपको आईआरटीआई उसके लिए अलग से अप्रूवल देगा ठीक है द द कंपनी कॉमन डायरेक्टरशिप अमंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अगेन कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं हो सकती मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के आप कॉमन डायरेक्टर बन जाओ नहीं वो भी नहीं हो सकता वो भी अलाउड नहीं है आप फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहे हो तब भी नहीं होगा अब जो करंट फिट एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि डायरेक्टर जो है कन्विक्ट नहीं होना चाहिए जेल नहीं हुई होनी चाहिए उसको ओके okay? Uh, कोई लॉ एंड रेगुलेशन की वायोलेशन के अंदर या मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस है या प्रोफेशनल बॉडी ने किसी प्रोफेशनल बॉडी ने उसको बार कर दिया है फॉर एग्जांपल सीए ऑर्गेनाइजेशन ने या जो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बार लगा दिया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में नहीं आएंगे नेक्स्ट इज डिस्कलोजर अबाउट मीटिंग जस्ट अ सेकेंड गाइस ओके सो डिस्क्लोजर अबाउट द मीटिंग सो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनको दो हज़ार तेरह का एक्ट फुलफिल करना है उसके अंदर बेसिकली uh, कुछ गाइडलाइंस या कुछ स्टैंडर्ड इशूड हैं और आईसीएसआई जो बॉडी है वो भी कुछ स्टैंडर्ड इशू करते हैं रिगार्डिंग द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओके तो वो तो फुलफिल करने ही करने हैं जो कंपनीज एक्ट और आईसीएसआई uh, की गाइडलाइंस है उसके अलावा uh, जो आई आर डी ए आई की कारपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं उसमें भी इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं जो uh, फुलफिल करने हैं और जो भी डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी उसमें ये आपको देना है ठीक है सबसे पहले तो भाई कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या जो कमिटीज फॉर्म हुई हैं उन कमिटीज की क्या कितनी मीटिंग्स हुई हैं इन गाइडलाइंस के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन की डिटेल जो कमिटीज बनी है उनकी डिटेल उसमें नाम क्वालिफिकेशन किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर पर्सन की ठीक है और डायरेक्टरशिप का स्टेटस क्या है डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग्स अटेंड की कमेटी ने कितनी मीटिंग्स अटेंड की कितनी में वो एबसेंट थे रेमुनरेशन कितनी दे रहे हो तो ये सब जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर मैंशन होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस उसके बाद कमिटीज की अगर हम बात करें तो इंश्योरिंग इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सेवरल कमिटीज फॉर्म कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस नाउ जो ज्यादातर कमिटीज होती हैं जो बोर्ड को असिस्ट करती हैं उसमें आपकी ऑडिट कमेटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नॉमिनेशन एंड कमेटी इन्वेस्टमेंट कमेटी एथिक्स कमेटी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी आ जाती हैं ठीक है अब गाइडलाइंस के अंदर क्या बोला गया है कि हर इंश्योरर को कुछ मैंडेटरी कमिटीज फॉर्म करनी है जैसे हमने जो लेक्चर के शुरू में देखा था कि मैंडेटरी कमेटी तो मैंडेटरी कमेटीज में कौन सी कौन सी हैं ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट होगी इन्वेस्टमेंट हो गई रिस्क मैनेजमेंट हो गई उसके बाद पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन हो गई नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन हो गई आपकी कॉर्पोरेट सोशलिटी हो गई ओके सो कॉर्पोरेट सोशलिटी सिर्फ उन इंश्योरेंस को फॉर्म करनी है जो अर्न प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जो नॉन प्रॉफिट हैं अभी उनको नहीं ये फॉर्म करने की जरूरत ओके okay? तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो फॉर्म करनी होती है मैंडेटरी है जो फॉर्म करना इन कमिटीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे साथ ही साथ आई का एक रेगुलेशन उन्होंने इश्यू किया था फोर्टी डी दो हजार के अंदर ये बोलता है कि इंश्योरर्स को एक विद प्रॉफिट कमेटी भी फॉर्म करनी है जो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को फॉर्म करनी है एंड इस कमेटी के अंदर एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए सीईओ होना चाहिए जो एक्चुअली है कंपनी का वो होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट एक्चुअरी होना चाहिए तो विद प्रॉफिट भी किसको फॉर्म करनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली वो क्वेश्चन में पूछ सकता है ठीक है तो ये याद रखना है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम एक मैंडेटरी कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे ओके आई होप इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना है कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय